हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेल। टुडे आई एम हियर अगेन विद अ न्यू चैप्टर ऑफ इंग्लिश रीडर। टुडे वी विल स्टडी चैप्टर नंबर 5, जोजोस पेट। बिफोर आई बिगिन विद द रीडिंग, लेट मी डिस्कस फ्यू डिफिकल्ट वर्ड्स। Saw, bushes, wing, wanted, hammer, nails, caught, insects, learned, naughty, boot, stuck, flapped। चलिए अब हम चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सब लोग चैप्टर के ऊपर यहाँ आज की डेट डालेंगे, जिस दिन भी आप इसकी रीडिंग कर रहे हैं, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप वहाँ उस दिन यहाँ उस दिन की डेट मेंशन करेंगे। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू इन ब्रीफ। इस चैप्टर में देयर इज अ स्मॉल बॉय हुज नेम इज जोजो। एक छोटा बच्चा है जिसका नाम जोजो है, ठीक है। उसको एक छोटा सा उसको पेट मिलता है। वो पेट क्या है और उसे कैसे मिलता है हम रीडिंग में देखेंगे। वन डे जोजो सॉ अ बेबी बर्ड हॉपिंग इन द बुशेस। एक दिन जोजो ने एक बेबी बर्ड को हॉप करते हुए देखा बुशेज में। द लिटिल बर्ड वॉज हर्ट इन वन। छोटी बेबी बर्ड को उसके विंग में चोट लगी हुई थी। शी वॉज हर्ट इन वन विंग। जोजो वॉन्टेड टू हेल्प द बर्ड। जोजो उसकी हेल्प करना चाहता था। हमें भी हेल्प करनी चाहिए ना, यदि हम किसी बर्ड को या किसी एनिमल को हर्ट देखें, किसी को चोट लगी हो, तो हमें भी उसकी हेल्प करनी चाहिए। ही कैरीड द बेबी बर्ड होम इन हिज बास्केट। जोजो ने क्या किया, जोजो ने उस बेबी बर्ड को अपनी बास्केट में रखा और उसको अपने साथ घर ले गया। देन ही टुक अ हैमर, सम नेल्स एंड सम वुड। घर जाकर उसने क्या किया, उसने हैमर उठाया, कुछ नेल्स उठाई और कुछ वुड उठाई। ही बिल्ट अ बर्ड हाउस फॉर द बेबी बर्ड। और जोजो ने बेबी बर्ड के लिए एक बर्ड हाउस बनाया, एक छोटा सा हाउस बनाया। देखिए ऐसे उसने वुड की, हैमर की और नेल्स की हेल्प से एक छोटा सा हाउस बनाया। जोजो नेम्ड हिज न्यू पेट ट्विटी। जोजो ने अपने न्यू पेट को क्या नाम दिया, उसने क्या नाम रखा उसका, ट्विटी। हम सब भी यदि हमारे घर में कोई पेट है, कोई डॉग है या कोई किट्टी है, किटन है, हम उसका एक नाम रखते हैं ना, तो जोजो ने भी जो वो छोटी लिटिल छोटी बेबी बर्ड लेकर आया था उसका नाम रखा ट्विटी। ही कॉट इंसेक्ट्स फॉर ट्विटी टू ईट। वो ट्विटी के लिए इंसेक्ट्स पकड़ता था। ही गेव ट्विटी फ्रेश वाटर इन अ कप। और ट्विटी को फ्रेश वाटर, उसको एक कप में साफ पीने का पानी देता था। ट्विटीज हर्ट विंग गॉट बेटर। अब धीरे धीरे ट्विटी के विंग में जो चोट लगी थी, अब वो धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। She learned to fly, और अब वो उड़ना सीख गई थी। When Jojo called, Tweety would fly to him and sit on his hand. जब Jojo Tweety को बुलाता था,
ट्विटी उड़कर आती थी और उसके हैंड पर बैठ जाती थी। ट्विटी वॉज नॉटी। अब ट्विटी बहुत नॉटी हो गई थी, थोड़ी शैतान हो गई थी। वन मॉर्निंग जोजो कुड नॉट फाइंड हिज टॉप। एक दिन सुबह सुबह जोजो को उसका टॉप नहीं मिल रहा था। ही लुक्ड फॉर इट टिल इट वॉज टाइम टू लीव फॉर स्कूल। जोजो ने अपने जोजो अपने टॉप को ढूंढता रहा जब तक कि उसको स्कूल जाने का टाइम नहीं हो गया। वह अपने टॉप को ढूंढता रहा। ही कुड नॉट पुट ऑन वन बूट। फिर क्या हुआ, जब वो स्कूल जाने के लिए उसने अपने बूट पहने, देन ही कुड नॉट पुट ऑन वन बूट। वह एक जूता नहीं पहन पाया। देयर वॉज समथिंग स्टक इन इट। उसके बूट में कुछ अंदर फंसा हुआ था। जोजो हेल्ड द बूट अप एंड शुक इट। जोजो ने जूते को उठाया और उसको हिलाया। आउट फेल द टॉप। जब जोजो ने शूज को अपने हिलाया, अपने बूट को हिलाया, तो क्या हुआ, उसके अंदर जो टॉप था वो नीचे गिर गया। ऐसे आउट फेल द टॉप, टॉप बाहर आ गया। ट्विटी फ्लैप्ड हर विंग्स एंड लाफ्ड। अब ट्विटी उसको देखकर हंसने लगी, अपने पंख हिलाकर हंसने लगी। ट्विट ट्विट, दैट वॉज हर वे ऑफ लाफिंग। ट्विटी कैसे हंस रही होगी? यस, बर्ड्स के हंसने का तरीका कैसे होता है? ट्विट ट्विट, ठीक है। तो ट्विटी ट्विट ट्विट करने करके हंसने लगी। एंड दैट वॉज हर वे ऑफ लाफिंग, वह उसके हंसने का तरीका था। जोजो लाफ्ड टू। अब जोजो भी हंसने लगा। ही पिक्ड अप हिज बैग एंड लेफ्ट फॉर द स्कूल। फिर जोजो ने अपना बैग उठाया और वह स्कूल के लिए चला गया। ओके?